पंजाब यूनिवर्सिटी और अन्य संगठनों ने सरकार से निजी स्कूलों की मनमानी रोकने की मांग की है। चंडीगढ़ में पिंड बचाओ पंजाब बचाओ सेमिनार का आयोजन किया गया और इस सेमिनार में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टूडेंट्स और किसान यूनियन के सदस्य शामिल हुए और सभी ने एक सुर में निजी स्कूलों पर लगाम लगाने की मांग की। पंजाब में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पिंड बचाओ पंजाब बचाओ विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, भारतीय किसान यूनियन के मेंबर और विद्यार्थी यूनियन के सदस्यों ने प्रदेश सरकार से निजी स्कूलों की मनमानी रोकने की मांग की। प्राइवेट स्कूलों सख्ती नाल लागू करे, जितों तक इन्हें फीसा का सवाल है, वो जिन्हें वाधू बधाइया जाए कानून तो बिना, एक तो उन्होंने रोके। दूजे साड़ी मांग यह है भी सरकारी ढांचा जिहड़ा जिदे विच पोस्टा खाली ने स्कूल है नहीं, उन्होंने तकड़ा करे आपका सारी एक समुची यदि समीक्षा करके कि पंजाब दे विच मैं गल करा कि पंजाब किन्ने स्कूल चाहिए ने, किन्ने टीचर चाहिए ने, किन्ने बच्चे ने, तो उन्होंने पढ़ाई का म्यार किमें चंगा हो गए ये बारे गल कर। वहीं कांग्रेस नेता मलकीत सिंह बराड़ का कहना है कि कैप्टन सरकार इस बारे में विचार कर रही है और वो भी सीएम से बात करेंगे। हाँ, ये कैप्टन के ध्यान में लिया के जो प्राइवेट स्कूलों का एक बिजनेस दायरा बनाया, जिमें चैरिटेबल कहें भी चैरिटेबल ना रह के बिजनेस, क्योंकि चैरिटेबल तो पलों पाने पैदा पर प्रॉफिट आपका गिन रहे हैं, वो कैप्टन साहब के सरकार के ध्यान लियावे असी, तो इसमें ध्यान च ही नहीं लियावे, जोर न लागू भी करावे जो अच्छ गोष्ठी हुई है उसे। विचार गोष्ठी में दिनों दिन बढ़ते शिक्षा के व्यापारीकरण, सरकारी स्कूलों में गिरते शिक्षा के स्तर समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़।